गाइस माफी चाहता हूँ, मैं आज आपको जो जामा मस्जिद की जो मीनार थी वहाँ पर तो मैं आज आपको नहीं ले गया क्योंकि मैं ट्रैफिक की वजह से बहुत लेट हो गया था। तो आज देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है भाई, बहुत भीड़ हो रही है क्योंकि मैं लास्ट जब से मैं 3-4 दिन से जामा मस्जिद कवर कर रहा हूँ, मेरे को इतनी भीड़ नहीं दिखी है। आज सैटरडे है, हो सकता है आज ज़्यादा भीड़ हो सकती है और मैं भी कल को और ज़्यादा हो क्योंकि कल संडे है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई बहुत भीड़ हो रही है यार, क्योंकि आज का जो हमारा व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बातें करने वाले हैं कि भाई उनको कैसा लगता है जामा मस्जिद पर रोज़ा खुलने के बाद। और ऊपर भाई कुछ लोग हैं लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला ऊपर जाने का, टिकट नहीं मिला क्योंकि विंडो क्लोज हो चुकी थी। लेकिन आज बहुत भीड़ है, आज हम लोगों से जानेंगे कि भाई आज मतलब उनको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के। और कुछ ऐसा मेरे को खास लगा नहीं है क्योंकि सैटरडे है, तो सैटरडे की वजह से इतनी भीड़ कैसे हो सकती है, क्योंकि मैं जब से मैंने यहाँ पर जामा मस्जिद के ब्लॉग स्टार्ट किए हैं तो आज सबसे ज़्यादा भीड़ मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा शॉट आ रहा है पूरा जामा मस्जिद का, और नीचे आप देख सकते हैं बहुत लोग बैठे हुए हैं। और इसका ये मेन गेट है जो आप देख रहे हैं, मैंने बहुत लोगों को मेन गेट दिखाया तो कमेंट्स करते हैं भाई ये लाल किला है आई थिंक, लेकिन लाल किला नहीं है, वो जामा मस्जिद का मेन गेट है। और आप यहाँ से देख सकते हैं जामा मस्जिद का कुछ नज़ारा इस तरह से है, लेकिन जब इसके अंदर प्रॉपर लाइटें जल जाती हैं तो वो कुछ अल्टीमेट ही नज़ारा होता है। वो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया भी था जब जामा मस्जिद की सारी लाइटें जल जाती हैं तो वो उसका कैसा नज़ारा होता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ लोगों से बात कर लूँ यहाँ पर, उनको यहाँ पर कैसा लगा यहाँ पर आके। और हेलो भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? दरियागंज। वीकेंड है इसलिए। तो आप देख सकते हैं भैया ने वीकेंड का कारण बताया है यहाँ पर, जो आज इतनी भीड़ है, जो इतना यहाँ पर जमावड़ा है वो वीकेंड की वजह से है, क्योंकि हम फ्राइडे में भी आए थे और संडे में भी आए थे, यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन आज मेरे को जो काफ़ी लोगों से हमें पता चला है वो वीकेंड की वजह से आज यहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और बहुत लोगों के सपने होते हैं, कई साल गुजर जाते हैं कि नहीं आ पाते जामा मस्जिद में, लेकिन मैं अगर आप कोशिश कर रहे हो और आपकी एक तमन्ना है जामा मस्जिद में रमज़ान के इफ्तार करने की, तो भाई आप ज़रूर आना इंशाल्लाह। और आप देख सकते हैं भाई मीनारे भी आप दोनों साइड से देख सकते हैं, मेरे को टिकट नहीं मिला, मुझे बस इसी बात का दुख है ऊपर जाने का, लेकिन मैं आपसे ऊपर का नज़ारा दिखा था नीचे का कितना अल्टीमेट है। बाकी हम और लोगों से भी बातें कर लेते हैं वो उनको यहाँ पर आकर के कैसा लगा। तो आज बहुत अल्टीमेट लग रहा है क्योंकि आज जो जामा मस्जिद में जो भीड़ है वो बहुत डबल है, क्योंकि आज वीकेंड भी है इस वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही है। और मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा क्योंकि लोग थोड़ा सा बात करने में भी डरते हैं, बात करने में उनको थोड़ा शर्म आती है, तो मैं उनसे एज ए फ्रेंडली मतलब उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। तो आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो पहली बार आए यहाँ पर, आप दिल्ली से ही हो प्रॉपर, वो दिल्ली से होने के बाद भी पहली बार ही आए, तो सर आपको कैसा लगा यहाँ पर आए? मुझे आके बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने फ्रेंड्स को FB पर देखा था कि वो जामा मस्जिद में आकर सेलिब्रेट करते हैं इफ्तारी को, तो मुझे लगा कि ये मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं इनका टीचर हूँ और मेरा एक सेंटर है, NGO चलाता हूँ असीम आशा फाउंडेशन, www.asimasha.com। तो वहाँ इन बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं कि किस किस तरह से कल्चर के अंदर हम मिक्स हों। तो हमारे ओखला बिहार में रहने वाले बच्चे हैं और जो यहाँ आकर इफ्तारी कर रहे हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अलग अलग लोगों के साथ। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ आकर, और मेरा रोज़ा भी है और मैं मुझे इफ्तारी को देख के बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ आकर, बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे मैं पहले भी कई बार आया हूँ लेकिन मैं इस बार अपने फाउंडेशन असीम आशा फाउंडेशन के बच्चों के साथ आया हूँ, अपने टीचर्स के साथ आया हूँ, तो और भी अच्छा लगा। और यहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छा है, और बेसिकली हम यहाँ पे कल्चर को एक्सप्लोर करना है, कैसे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, तो ये आज इफ्तार का इवेंट है जो हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो, मैं हसन हूँ और मैं भी यहाँ पर अपने फ्रेंड्स और सर के साथ आया हूँ, पहली बार आया हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी भीड़ है, हलचल है और ऐसा देख के ये बहुत अच्छा सीन है। हमने यहाँ पे इफ्तार खुद ही प्रिपेयर किया है, लेकर आए हैं बाहर से पकौड़ी सब कुछ, फल यहीं पे काटे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अभी हम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई काफ़ी लोग यहाँ पर अपना अपना सामान लेकर आए हुए हैं, और कुछ लोग यहीं पर आकर के काटते हैं तो कुछ लोग बाहर से ख़रीद लेते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मतलब पूरी पूरी फैमिली के साथ आते हैं, तो एक थोड़ा एक अलग ही मज़ा आता है, एक अलग ही माहौल होता है जब अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर लोग आते हैं, तो एक जो तमन्नाएँ होती है यहाँ पर, और एक जामा मस्जिद की, वो भी दिल्ली की जामा मस्जिद, तो मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि यार हम भी वहाँ पर रोज़ा इफ्तार करें, लेकिन कुछ लोगों की तमन्ना ही रह जाती हैं और कुछ लोगों की दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप आना चाहिए आप लोगों को यहाँ पर, और यहाँ का जो माहौल है
क्योंकि मेरे पास जब मैं वीडियोस बनाता हूँ मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आती हैं कि भैया कितना अच्छा माहौल है, हमारे लिए भी दुआ करो, हम भी जामा मस्जिद रोज़ा खोलने के लिए जाएंगे। तो मैं उनके लिए उनको यही बोलता हूँ, तो मैं ऑब्वियसली आपके लिए दुआ करूँगा। और आप देख सकते हैं अभी ऐलान भी हो रहा है, मोबाइल चोर और जेब कतरों से सावधान रहें। भैया से बात कर लेते, क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज। कहाँ से हैं आप? मैं द्वारका सेक्टर एक। माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का। रोजा रमजान का महीना होता है इतना भी, तो वैसे माहौल अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेला लगा हुआ है। भैया से मैंने बात करी तो भैया बोल रहे हैं भाई ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पर मेला लगा हुआ है। नगर से आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। आप फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे? नहीं, काफी बार आ चुके हैं। फर्स्ट टाइम क्या आपने? नहीं, काफी बार कर चुके। कैसा लगता है आपको? यहाँ बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आप दुआ करो जो लोग जिनकी तमन्ना है वो पूरी हो जाए। इंशाल्लाह। थैंक यू भाई। यहाँ पर काफी लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं दिल्ली से, और कुछ लोगों का मतलब प्लान होता है, प्री प्लानिंग होती है उनकी कि हमें जो आज का रोजा अख्तियार करना है वो जामा मस्जिद में करना है। क्योंकि आज यहाँ पर पूरी फैमिलीज यहाँ पर आई हुई हैं, पूरी बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी जगह पर आकर के मतलब पूरी फैमिली रोजा अख्तियार करती है, एक तमन्ना होती है यहाँ पर आने की। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ, दो साल के बाद आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग देख, रौनक देख के काफ़ी अच्छा लगता है। लोगों के साथ बीच में रोज़ा खोलना, फैमिलीज के बीच में लोगों में खुशियाँ देखना, चेहरे में स्माइल्स, बहुत अच्छा लग रहा है। गेट टुगेदर काइंड ऑफ कह सकते हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो लोगों से बात करके मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके मतलब एक रियल फीडबैक होता है वो यहाँ पर देते हैं। तो उनसे मतलब जानने की कोशिश करते हैं हम कि उनको कैसा फील यहाँ पर होता है। थोड़ा हम और अंदर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही आए हुए हमें काफ़ी देर हो चुकी है, तो थोड़ा हम अंदर की ओर चल लेते हैं और बाकी लोगों से भी हम बात करेंगे कि उनको यहाँ पर आकर के कैसा लगता है। और अफ्तार के बाद भी हम लोगों से बात करेंगे कि उनको अफ्तार रोज़ा खोलने के बाद यहाँ पर कैसा लगा है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है इस वक्त रोजे में। और आज हम प्रॉपर टाइम की प्रक्रिया दिखाएंगे, क्योंकि जब रोजा अख्तियार होता है तो दोनों मीनारों की लाइटें जल जाती हैं और उसके बाद अजान शुरू हो जाती है। क्योंकि आज सैटरडे है तो और वीकेंड भी है, इस वजह से आज यहां पर इतनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। आज मतलब एक मन लग गया है यहां पर, एक जी लग गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वजू खाना है जहां पर सब लोग वजू करते हैं, और ये इसका मेन गेट है पूरा, अगर मैं दिखाऊं तो आपको। और ये इसका राइट वाला गेट है और ये इसका लेफ्ट वाला गेट है, ठीक है। और ये पूरी हमारी मस्जिद है जो आप देख सकते हैं, और अंदर आपको झूमर नज़र आ रहा होगा जो बहुत बड़ा है, जब उसके पास जाते हैं तो बहुत बड़ा दिखता है भाई। फैमिली के साथ आना एक अलग ही अल्टीमेट वाली बात हो जाती है। अगर हम सिंगल आएंगे तो शायद नहीं हम वो चीज़ हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जो एक फैमिली के साथ आकर के यहाँ पर एक्सपीरियंस कर पाएंगे, जो फैमिली के साथ वो हम सिंगल में नहीं कर सकते। क्योंकि फैमिली के साथ सब मिलजुल कर दुआएं करते हैं और अपने जो दिल मन की जो तमन्ना है वो मांगते हैं, अपनी दुआएं मांगते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आज जो पूरा जामा मस्जिद का जो एरिया है पूरा का पूरा आज वो कवर अप हो रखा है, क्योंकि जब से हम ब्लॉग बना रहे थे तो कुछ एरिया खाली रह जाता था, लेकिन आज का जो हमारा जामा मस्जिद का जो पूरा एरिया है वो कवर अप हुआ हुआ है आज। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे मॉन्यूमेंट्स पर सब लोग मिलजुल कर रोज़ा खोलते हैं और सब लोग दुआएं मांगते हैं। यहाँ पर सब लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं वजू भी कर रहे हैं कुछ लोग। और चलिए हम और इस साइड में चलते हैं और लोगों से हम बात कर लेते हैं कि उनको कैसा लगता है यहाँ पर आकर के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई बहुत भीड़ हो रही है और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ लोग नीचे बैठे हैं, कुछ लोग ऊपर बैठे हुए हैं, मतलब कुछ लोगों ने मतलब चादर वगैरह बिछाई हुई है और कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं। और ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था और अभी भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो एरिए दो लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पर आप ऐसे ही बैठ सकते हैं, यहाँ के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक टाइम होने लग रहा है, हम एक बार टाइम में नज़र मार लेते हैं। टाइम 46 हो चुका है, लगभग एक या दो ही मिनट यहाँ पर बाकी हैं, तो मैं भी अभी बैठ ही जाता हूँ, लोगों से फिर हम बातें भी करनी हैं बाद में हमें, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है जैसा अलविदा जुमा हो। हालांकि अलविदा जुमा नहीं है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसा अलविदा जुमा हो। हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है, आज भाई मिल जा रोजा उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रहती है अतर भीड़ जी, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रौनक अच्छी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गोला हो चुका है और अभी दोनों मीनारों की लाइटें जलने वाली हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
ये देख सकते हैं आप, दोनों मीनारों की लाइटें जल चुकी हैं और यहाँ पर गोला हो चुका है, अब अजान हो गई है। तो अजान हो गई है यहाँ पर, इसका मतलब रोजा खुल चुका है।